मुझे तो यकीन ही नहीं था कि तुम आओगी। आने को तो मैं रोज तुम्हारे यहाँ आ जाऊँ कोयल, लेकिन वो घोटक जी की ट्रेन वाली बड़बड़ है ना, मुझे जरा भी नहीं पसंद है। वैसे वो घर पर तो नहीं है ना? नहीं बाबा, ना आज घर पर उनकी ट्रेन है और ना ही बाहर रेल है। वर्षा आ गई। वर्षा? मयूरी, वर्षा कहाँ हो रही है? कोयल दीदी, मेरा नाम वर्षा है, मैं मयूरी की दोस्त हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बहुत अच्छा हुआ आप आई। आइए आइए आइए, इधर आ जाइए। नमस्ते। हेलो। कैसे हो? पहनी झोपड़ा सा। कितने हो? ओ बादशाह, कितने? हाँ जी, आपका लगभग तो ऑलमोस्ट नेबर कम चिड़ियाघर का मेंबर है जी, चोपड़ा हाजिर है। चोपड़ा जी आप? अरे भाई, लेकिन हार की मुंह दिखाई तो औरतों का फंक्शन है, क्यों दीदी? ओ पुत्र, आपकी बात लगभग तो ऑलमोस्ट सही है, ओ लेकिन बेचारे समोसे और कचौड़ियों का क्या कसूर? ओ ये तो बेचारे ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, ओ असी तो जी इनकी मुंह दिखाई वास्ते आए, शुरू करते हैं। चोपड़ा जी, अरे हार की मुंह दिखाई तो हो जाने दीजिए, फिर खाते हैं। दीदी, जब आ ही गए हैं मिस्टर चोपड़ा तो दिखाई देते हैं हार का थोबड़ा। 1 2 3 टेंकड़े। सुंदर है दीदी। हाय कोयल दीदी, इतना सुंदर हार। वैसे इतना सुंदर हार, लेकिन ये घोटक जी की पसंद नहीं हो सकती। हाँ उनकी है शीला दीदी। वाव, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस हार में बहुत सारे सुंदर नागमणि जड़ दिए हो। हाँ बिल्कुल सही नागिन। हार की तारीफ लगभग ऑलमोस्ट हो चुकी ना, अब नाश्ता करते हैं। चोपड़ा जी, अरे दीदी को हार पहन तो लेने दीजिए। लो दीदी पहनो, जल्दी पहनो दीदी। कैसा लगा? अच्छा है ना? वाह दीदी, आप तो पहले ही इतनी सुंदर है और ये हार आपकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा है। थैंक यू। नजर मत लगाइए। वैसे कितने का होगा ये? 1.25 लाख का है ये हार। 1.25 लाख? क्यों दीदी ने ये हार महंगा तो नहीं ले लिया? नहीं नहीं मयूरी, मुझे तो लगा ये हार 2.5 लाख रुपए का होगा। वैसे कोयल को ये हार बहुत ही सस्ता मिल गया है ना कोयल? काश मयूरी के पास भी इतना सुंदर हार होता तो लोग उसकी इतनी तारीफ करते। हार की तारीफ तो पेट भर के हो चुकी ना, तो लेकिन साडा पेट तो खाली है ना, अब तो शुरू करो। खाइए। क्या हुआ मयूरी? कुछ नहीं दीदी, मयूरी ये जानना चाहती है ये हार पहन के तुम्हें कैसा लग रहा है दीदी, मतलब क्या फीलिंग हो रही है बताओ ना दीदी। हाँ हाँ, कैसे बताऊं मयूरी, लेकिन सच कहूं ये हार मेरी लाइफ में खुशियों का ट्विस्ट लेकर आया है। ट्विस्ट? अगर लाइफ में है ट्विस्ट तो सिचुएशन में भी एक ट्विस्ट होना चाहिए। एक गाना हो जाए? हाँ, हो जाए। अरियो अरियो, सॉरी। अबे सॉरी के बच्चे, भगवान ने अकल नहीं दी, आंख तो दी है, ये इतनी सारी मट्टी कहां से लगा के आ गया कपड़ों पे? हमने नहीं लगाई है बाबूजी, वो जो अपने पेड़ है ना पेड़, उन्होंने लगाई है। हम उनको बगीचे में लगा रहे थे, वो हमको मिट्टी लगा रहे थे। बेटा ये मट्टी इतनी आसानी से निकलने वाली नहीं है। तो कैसे उतरेगी? इन कपड़ों को थोड़ी देर के लिए साबुन के पानी में भिगो दे, उसके बाद धो देना, ठीक है? Thank you.
हे भगवान, इतनी सी बाल्टी में हम कैसे आएंगे? मेंढू जरा इधर आना, तुम्हारे कपड़ों पर भी मिट्टी लगी है, पानी के अंदर आ जाओ और अपने कपड़े भिगो दो। पर भैया उससे क्या होगा? हमारे बाबूजी कहते हैं कपड़ों पे अगर मिट्टी लगी हो तो उसको साबुन के पानी में भिगो दो, साफ हो जाएंगे। ठीक है भैया, जरा हटना। अरियो अरियो, क्या सीन है, एक गधा और दूसरा मेंढक दोनों चिड़ियाघर की हौद में ऐसे नहा रहे हैं जैसे अंग्रेज बाथटब में नहा रहे हो। बाबूजी हम नहा नहीं रहे, हम अपने कपड़े भिगो रहे साबुन के पानी में। बाबूजी आप भी अंदर आ जाइए, बड़ा मजा आ रहा है। बेटा ये कौन सा तरीका हुआ कपड़े भिगोने का? आप ही ने तो कहा था कपड़ों पे अगर मिट्टी लगी हो तो उनको साबुन के पानी में भिगो दो, हमने भिगो दिए। अबे मैंने सिर्फ कपड़े भिगोने को कहा था, ये नहीं कि खुद जाके पानी की हौद में बैठ जाए। चलो बाहर निकल के बाथरूम में जाके नहाओ और कपड़े धोने में डालो। बेटा घर में कोई कुश्ती प्रतियोगिता होने वाली है, है? इधर तो ये गधा और मेंढक ये इधर हौद में तैर रहे हैं और तू यहाँ दंड लगा रहा है। सब ठीक है ना बेटा? मेरी तो टेंशन टाइट, मुझे वजन करना है लाइट, वो भी पूरे एक महीने में। एक महीने में? जय भोलेनाथ। क्या बात है बेटा, एक महीने में तेरी शादी हो रही है? नहीं बाबूजी, मैंने गोमुख भैया से शर्त लगाई है कि मैं पूरे एक महीने में 5 किलो वजन कम करूंगा। अरे एक महीने में 5 किलो? देख ले बेटा, 5 किलो के चक्कर में कहीं तू खाट न पकड़ ले। कौन है आप कस्टमर? मयूरी। मयूरी ये सब क्या है? कस्टमर आशीर्वाद दीजिए स्वामी। स्वामी? हाँ स्वामी, मयूरी आज से आपकी दासी है। मयूरी आपकी क्या सेवा कर सकती है? बैठ जाइए। मयूरी क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? डॉ 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 नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मयूरी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी बलि चढ़ाने से पहले मेरी आरती उतर जा रही? ऐसा ना बोलिए स्वामी, मयूरी बलि लेने नहीं बलिदान देने के लिए आई। मयूरी ने ये सोचा है कि वो आज से एक आज्ञाकारी पत्नी बनेगी, आप जो बोलेंगी वही करेगी, वही 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 करेगी। मयूरी अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम बेवक्त नाचना छोड़ दो, डॉट 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 डॉट, तो तुम छोड़ दोगी कस्टमर? अगर ऐसा आप चाहते हैं तो मयूरी ऐसा ही करेगी, लेकिन मयूरी के इतने बड़े बलिदान के बदले में उसे क्या मिलेगा? जो तुम बोलो, जो तुम चाहो। सच? हाँ। मयूरी को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस दीदी जैसा हीरो का हार चाहिए।
बाहर। कोयल भाभी जैसा हार, एक्सक्लेमेशन मार्क। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। सातवें महीने के दूसरे हफ्ते का मुहावरा। मयूरी कितने का आएगा वो हार? क्वेश्चन मार्क। वो सिर्फ 1,25,000 का। क्या 1,25,000? एक्सक्लेमेशन मार्क। मयूरी कम से कम इतना तो कर दो कि 1,25,000 के सामने से सिर्फ हटा दो, क्योंकि 1,25,000 कहीं से भी सिर्फ नहीं होता। तुम नहीं समझ रहे हो, 1,25,000 से पहले सिर्फ लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मयूरी की सहेलियों ने कहा कि वो हार कम से कम नहीं तो 2,50,000 का तो होना ही चाहिए। तो सोच लो, तुम्हारा 1,25,000 बच गए ना। तुम्हें नहीं पता दीदी की कितनी तारीफ हुई, कितनी इज्जत हुई। मयूरी को भी वैसे ही अपनी तारीफ कराना है। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। नहीं, तुमसे नहीं, मयूरी को अपनी सहेलियों से तारीफ सुननी। ये हार कितना सुंदर है मयूरी, ये हार तुम पर कितना जच रहा है मयूरी। डॉट 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 डॉट। लेकिन मयूरी 1,25,000 बहुत होते हैं। डॉट 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 डॉट। मयूरी को पता था कि तुम पलटी जरूर मारो, इसीलिए आज काल भैरव के महातांडव का महारियाज करके आई है मयूरी। अगर मयूरी ने वो तांडव किया तो पूरा वाराणसी हिल जाएगा। करे करे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं मयूरी, तांडव मत करना। अगर कहीं तुम्हारे तांडव से घर की छत गिर गई तो 1,25,000 से भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। टोटो टोटो। मैं हार ले आऊंगा। टोटो टोटो। लेकिन मयूरी 1,25,000 रुपए आएंगे कहाँ से? क्वेश्चन मार्क। वो 1,50,000 की FD है ना, उसे तोड़ देंगे। वैसे भी मयूरी की दीदी ने कहा है कि हीरो के हार की कीमत धीरे धीरे बढ़ती है। यूं समझ लेना कि मयूरी ने वो FD अपने गर्दन में पहन रखी है। ओके, तुम कह रही हो तो करना ही पड़ेगा। डो 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 डो। काज। अरे मयूरी, फुल स्टॉप फुल स्टॉप। तुमने कहा था कि अगर हार आ गया तो तुम बेवक्त नाचना छोड़ दोगी। डो 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 डो। सॉरी स्वामी, गलती हो गई। प्रणाम। जब तक हार नहीं आ जाता मयूरी नहीं नाचेगी। अच्छी है ना? बहुत अच्छी। खाइए, अभी अंदर और भी है। लो, मैं खाता हूँ। आप रबड़ी खाइए, मैं बर्फ खिला देती हूँ। कोयल, आज तो तुम ऐसी खातिरदारी कर रही हो जैसे कोई विदाउट रिजर्वेशन वाला पैसेंजर करता है। एक काम करो, ये ले जाओ और आप मुझे सोने दो। क्या कल सुबह जल्दी उठ के मुझे वो बिजली का बिल जमा करने जाना है। अरे बिजली का बिल मैं जमा कर दूंगी। वहीं पास में वैसे भी मेरी दोस्त रहती है ना कांता, उससे भी मिल लूंगी। और फिर घर के लिए थोड़ी सब्जियां भी लानी है। आते आते सब्जी मार्केट से सब्जी ले आऊंगी। और शिल्पा भी वहीं रहती है ना, उससे भी मिल लूंगी। मिलाओगी या हार दिखा कर आओगी? आप भी ना। अच्छा मैं अभी आई। ये लो, ले जा। रबड़ी और ले आओ। नहीं नहीं, बस बहुत हो गया। थोड़ी सी? नहीं नहीं, बस बहुत हो गया। ठीक। पता होता कि हार दिलवाने से कोयल इतने सारे काम करने लगेगी तो 10 साल पहले ही दिलवा देता। भैया क्या बात है। डॉट 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 डॉट। भैया हार के जलवे। डॉट 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 डॉट। अबे कोई नई बात नहीं है गुमुख। देख, वैसे तो रिजर्वेशन देना हर TC की ड्यूटी है। हाँ। लेकिन रिजर्वेशन देने के बाद
लोग पीसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। ओहो भैया, इसी बात पे मयूरी के लिए भी एक हीरो का हार हो जाए। डॉट 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 भैया, मयूरी के लिए भी एक हीरो का हार बनवा दीजिए ना। डॉट 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 आजकल उसको भी चढ़ा है हार का वायरल बुखार। डॉट 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 लेकिन बेटा इस बुखार की दवाई ना 125,000 रुपए की है। हाँ पता है भैया, मैंने इंतजाम कर लिया है। हड्डी तुड़वा रहा। डॉट 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 हड्डी तुड़वा रहा। हाँ भैया, इतना चौंकिए मत। अरे मयूरी के लिए तो एफडी करवाई थी, अब उसी की खुशी के लिए तुड़वा रहा हूँ। डॉट 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 हाँ ठीक है। आप कल ही मयूरी के लिए भी हार बनवाने का ऑर्डर दे दीजिए। डॉट 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 लेकिन भैया, मयूरी का हार बिल्कुल कोयल भाभी का हार जैसा होना चाहिए। आप तो मयूरी को जानते ही, पूरे चिड़ियाघर का डॉट 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 कर देगी। कोयल जैसा ही हार बनवा के लाऊंगा तेरी मयूरी के लिए। थैंक यू भैया। वाह वाह क्या बात है बाबूजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बेटा तुम दोनों अपनी अपनी पत्नी को कितना खुश रखते हो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा। थैंक यू बाबूजी। अब पत्नी है पत्नी को तो खुश रखना ही पड़ेगा। आए बाबूजी, देर आए दुरुस्त आए। सवा सवा लाख का हार, बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। लेकिन बेटा गोमुख का तो मुझे मालूम है, इसने अपनी एफडी तुड़वाई है। तूने इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? बाबूजी कुछ पैसे मेरे पास ऑलरेडी थे। हाँ। और 2-4 दिन में मुझे ऑफिस से ओवरटाइम का बोनस भी मिलने वाला है। बस तो उसी के बदले मैंने ये हार ले लिया। बढ़िया, सारा इंतजाम कर लिया है बाबूजी, आप चिंता मत करें। वाह बेटा वाह, शाबाश, बहुत अच्छी बात है बेटा। वैसे बेटा बुजुर्गों ने कहा है कि पत्नी को खुश रखना हर अच्छे पति का कर्तव्य होता है। करेक्ट। लेकिन अपनी चादर के मुताबिक पांव फैलाना हर जिम्मेदार पति का कर्तव्य होता है। वाह अमृत वचन बाबूजी। लेकिन बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, फुल स्टॉप। बाबूजी हार भी तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। डॉट 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 हाँ, समय के साथ साथ उसकी कीमत भी बढ़ती जाएगी। डॉट 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 हाँ, देखा जाए तो बात तेरी भी सही है बेटा। ठीक है बेटा, खुश रहो, बहुत खुश रहो बेटा। शाबाश, हरिओम 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 हरिओम।